हाय स्टूडेंट्स, अब हम बताने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.4 का। तो दिया गया है इंटीग्रेशन 3x² x^6 + 1 dx दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो दिया गया इंटीग्रेशन, पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। इसको जब लेट करेंगे x^6 = हो जाएगा, हम लेट कर लेते हैं t। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा 3x² तो ये हो जाएगा 3x², उसके बाद dx = हो जाएगा dt। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 3x² / x^6 है, तो हमें बनाना, जो अभी हमने आइडेंटिटी प्रूव किए थे उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो ये हो जाएगा x क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस एक कर देंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इसी के प्लेस पर हमने लेट कर ली है x^3 = t, इसको डिफरेंशिएट किए 3x² dx = dt। अब यहाँ पर dx, तो इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं dt। ठीक, तो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो हो जाएगा t² + 1 हो जाएगा। और हमने अभी अभी इसका प्रूव किए थे, ये होता है tan इनवर्स x की आइडेंटिटी, x बाई a का, तो a का प्लेस, a के प्लेस पर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा, उसके बाद प्लस c हो गया। अब t का वैल्यू कितना ले लिए हैं, x², अब यहां पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x^3, उसके बाद प्लस c, तो हमारा आंसर ये हुआ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर जो दिया गया है, तो हमने लास्ट जो था आइडेंटिटी, हमने उसको प्रूव किए थे, तो ये ही आइडेंटिटी था, तो हमने उसको पहले राइट ही कर दिए, तो उसको हम क्वेश्चन को अब बताते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर x के प्लेस पर क्या है, ये है, पहले यहां पर हम सिस्टमेटिक राइट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा 2x² + 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, उसके बाद dx। अब देखिए इससे पूरा एकदम मिलता जुलता है, ठीक, बस यही x के प्लेस पर यहाँ पर 2x है और यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। ठीक, तो इसको टू होता है log x के प्लेस पर 2x हो जाएगा, प्लस उसके बाद 2x² + 1² उसके बाद √+c हो गया। अब यहाँ पर ये होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया log 2x + 4x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसके बाद प्लस सी, तो हमारा सेकेंड का भी आंसर